हमें रामराज नहीं चाहिए, हमें भीमराज चाहिए, हमें बहुजन राज चाहिए, हमें अंबेडकर राज चाहिए। जब जब ओबीसी पिछड़ों पे जूता पड़ता है तब उन्हें याद आता है कि हम तो हिंदू है ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। मनुवादी आरएसएस और बीजेपी सरकार से और उनके कर्ता धर्ता मोदी और योगी से कि क्या उन्होंने बाबा साहब का संविधान में दिया हुआ आरक्षण दिया? कांग्रेस और बीजेपी आरएसएस वालों, तुमने बाबा साहब अंबेडकर ने जो अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, उसको तुमने ईवीएम से लूट लिया। तुम नकली अंबेडकर वादी हो। इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट पर यहीं पर बाबा साहब का संविधान जलाया गया, आपने उनको क्यों नहीं गोली से मरवा दिया? भाई आप इनकाउंटर करवाते हो, जब बाबा साहब का संविधान जलता है तो संविधान जलाने वालों का इनकाउंटर तुमने क्यों नहीं किया? बाबा साहब अंबेडकर ने नारी को आजाद किया, सम्मान दिया, और आप नारियों पर बलात्कार करके उनको अलीगढ़ और हाथरस कांड करवा करके रातों रात डीएम और एसपी से चलवा देते हो। ऐसा है, पहली बात तो बाबा साहब की जयंती पर भारत के 140 करोड़ लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में नहीं है, खतरे में है ब्राह्मणवाद, खतरे में है मनुवाद, खतरे में है आरएसएस, खतरे में है बीजेपी, खतरे में है। आपको अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए। लोग रहे हो कि हम खतरे में हैं। कौन कह रहा है? अरे भारत के 120 करोड़ लोग कभी खतरे में हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। हाँ, मनुवादी लोग खतरे में हैं। वो कैसे खतरे में? अरे आप नहीं देख रहे हो कि ओबीसी के लोग जूता लेकर के मनुवाद के पीछे पड़ गए हैं? और तो और अब आप देख रहे हो, पहले तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग ये ब्राह्मणवाद को ललकारते थे, मनुवाद को। और अब सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जिनको बाबा साहब अंबेडकर ने 342 आर्टिकल में अधिकार दिए थे, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अब वो जागृत हो गए हैं। और जब वो जागृत हो गए हैं तो वो जय भीम करने लगे हैं। हमने बहकाया, हमने तो सिर्फ उनको जगाया। हमने क्या जगाया? माननीय काशीराम साहब ने उन्हें बाबा साहब का नाम बता दिया। अब बाबा साहब जिसके घर में पहुंच गए, अब बाबा साहब SC ST के अलावा OBC जातियों के घर में घुस गए। अब जब घर में घुस गए हैं तो वहां से ब्राह्मणवाद बाहर निकलने लग गया है। जब ब्राह्मणवाद बाहर निकलने लग गया है तो खतरे में कौन होगा? मनवादी खतरे में है। हाँ जी, पिछड़े ना तो कभी हिंदू थे, ना है और ना कभी होंगे। दरअसल जब पिछड़ों को ये पता चल जाएगा कि वो हिंदू नहीं है, वो शूद्र हैं, जैसे माननीय अखिलेश जी को तब पता चला जब उनकी कुर्सी धुली गई। तो जब ओबीसी पिछड़ों पे जूता पड़ता है तब उन्हें याद आता है कि हम तो हिंदू है ही नहीं, हम तो पिछड़े हैं। तो क्यों समाज को बांट रहे हैं आप लोग? कौन बांट रहा है? हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं? सिर्फ ब्राह्मणों ने 6,743 जातियों में लोगों को बांटा, किसी ने भारत में किसी ने भी नहीं बांटा, सिर्फ ब्राह्मणों ने बांटा। और उन्होंने हर जाति को कर्म के आधार पर बांटा और अपने लिए गुलाम पैदा किए। कोई जूते बनाने वाले गुलाम, कोई झाड़ू लगाने वाले गुलाम, कोई धुलने वाले गुलाम, कोई पानी भरने वाले गुलाम, और इन गुलाम काम करने वालों को जातियों की जेलों में कैद कर दिया। और जातियों की जेलों में कैद लोग वो वहीं पर अपनी अपनी जाति का भगवान बना करके उनको दे दिया। इस तरह भारत के मूल निवासी बहुजनों को ब्राह्मणों ने जातियों की जेलों में कैद कर दिया। और ये जातियों में कैद लोग वो अपने अपनी जाति का एक देवता मान करके कैद होकर के उसी जातियों में शादी करने लगे, उन्हीं में बच्चे पैदा करने लगे और गुलाम हो गए। धन्य हो बाबा साहब अंबेडकर, उन्होंने जातियों की जेलों को तोड़ करके 3 वर्ग बनाए, SC शेड्यूल्ड कास्ट, OBC अदर बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल्ड ट्राइब। तो बाबा साहब अंबेडकर ने जातियों को, जो ब्राह्मणों ने जातियाँ बनाई थी उनको तोड़ करके, उन्होंने इकट्ठा करके SC ST OBC बना दिया। जिस दिन ये SC ST OBC अपने आप को बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा मान लेंगे, पहली प्रतिज्ञा अभी नहीं मान रहे क्या? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा।
अब ये अच्छा अगर यहाँ पे कोई जय भीम वाले हैं तो जोर से बोलो जय भीम। तो फिर अगर जय भीम वाले हो तो पहली प्रतिज्ञा कह दो, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। नहीं मानते हो? मैं तो सिर्फ बाबा आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। क्या बाबा साहब अंबेडकर ने भावनाएं भड़काई? बाबा साहब अंबेडकर जैसा विद्वान दुनिया में कोई भी नहीं था। तो फिर जो जो बाबा साहब को मानते हैं, अरे सबसे बड़ी बात तो बाबा साहब के विरोधी मानते हैं, चला गया चक्कर में। अरे देखिए अब वो पहली बार आजाद हुए, पहले तो वो आप पार्टी के गुलाम थे। दरअसल अगर वो राजेंद्र पाल गौतम वास्तव में आजाद होना चाहते हैं तो उन्हें तो इस मुद्दे पर आप पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि आप पार्टी तो जय श्री राम करती है। तो मंत्री पद जाने की बात नहीं है, मामला मंत्री पद का नहीं है, मामला एमएलए एमपी का भी नहीं है, पर सर मामला है मंदिर में जाकर मामला विचारधारा का है। पड़ गए तुम विचारधारा का होना चाहिए। अच्छा, आप तो सभी मान रहे हैं ना बाबा साहब को, ऐसा थोड़ी है कोई ये कह रहा है वो कह रहे हैं, सबके बाबा साहब है भले ही हिंदू राष्ट्र की कोई बात कर रहे हो। माननीय मैं आपकी बात से सहमत नहीं है, मानना जरूरी नहीं है, जरूरी है जानना क्या वो बाबा साहब अंबेडकर को क्या जानते हैं वो। देखिए मैं 14 सवाल आज 14 अप्रैल के दिन 14 सवाल इन आरएसएस से बीजेपी से और बाबा साहब के मानने वालों से सवाल करना चाहूंगा। पहला सवाल ये करना चाहूंगा, ये जो बाबा साहब को नकली अंबेडकरवादियों से खासकर आरएसएस से बीजेपी से कांग्रेस से और जितनी भी मनुवादी पार्टियां हैं उन सबसे मैं 14 सवाल 14 अप्रैल को करता हूँ। पहला सवाल ये करता हूँ मनुवादी आरएसएस और बीजेपी सरकार से और उनके कर्ता धर्ता मोदी और योगी से कि क्या उन्होंने बाबा साहब का संविधान में दिया हुआ आरक्षण दिया? अगर नहीं दिया तो वो नकली अंबेडकरवादी है। दूसरा सवाल, बाबा साहब अंबेडकर ने वोट का अधिकार दिया तो ईवीएम द्वारा बाबा साहब का वोट का अधिकार लूटने वालों कांग्रेस और बीजेपी आरएसएस वालों, तुमने बाबा साहब अंबेडकर ने जो अधिकार दिया वोट का अधिकार दिया उसको तुमने ईवीएम से लूट लिया, तुम नकली अंबेडकरवादी हो। तीसरा सवाल, बाबा साहब अंबेडकर ने आर्टिकल 15 17 और 19 में जो प्रावधान किए थे नौकरियां दी थी, तुमने प्राइवेटाइजेशन करके तुमने ग्लोबलाइजेशन करके बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण कांग्रेस बीजेपी और आप पार्टी तीनों पार्टियों ने मिलकर के छीन लिया, इसलिए आप पार्टी कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी मनुवादी पार्टियां हैं, नकली अंबेडकर बात के फोटो लगा के बात करते हो। बाबा चौथा सवाल, 2 लाख से ज्यादा SC ST की एट्रोसिटीज एक्ट में FIR हुई। अमित जो शाह है, शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि 2 लाख FIR दर्ज हुई, क्या आपने उनको तिहाड़ जेल भेजा? इसका मतलब बाबा साहब के कानून को आप नहीं मानते। पांचवा, इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट पर यहीं पर बाबा साहब का संविधान जलाया गया, आपने उनको क्यों नहीं गोली से मरवा दिया? भाई आप इनकाउंटर करवाते हो, जब बाबा साहब का संविधान जलता है तो संविधान जलाने वालों का इनकाउंटर तुमने क्यों नहीं किया? इनसे प्रश्न है कि बाबा, आठवां प्रश्न है, बाबा साहब अंबेडकर ने सेपरेट सेटलमेंट एक्ट दिया था जिसमें SC ST OBC को लैंड देना था, मान्यवर जमीन देनी थी, आपने जमीन नहीं दी और जमीन तो दी ही नहीं। जब बहुजन समाज की पार्टी ने मान्यवर काशीराम साहब ने 3 लाख पट्टे दिए जो यूपी में, उन पट्टों को छीनने का कार्यक्रम आपने बहुजनों की जमीन बेचने का किया, आपसे तो बहुत सारे सवाल हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने नारी को आजाद किया, सम्मान दिया और आप नारियों पर बलात्कार करके उनको अलीगढ़ और हाथरस कांड करवा करके रातों रात DM और SP से चलवा देते हो लाश। तुमसे ये भी प्रश्न पूछ रहा है भारत का नौजवान, तुमसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि नौकरियां कहाँ हैं, तुमसे भारत का नौजवान आठवां प्रश्न ये पूछता है, तुम सैनिकों की सत्यानाश कर दिया। नौवां सवाल ये पूछता है किसानों की जमीनें खरीद ली। दसवां सवाल ये पूछता है
किसानों की जमीन तुमने खरीद ली, किसानों को बर्बाद कर दिया। 11वां सवाल, मजदूर पूछते हैं भारत के मजदूर कि जो 8 घंटे का बाबा साहब ने 8 घंटे की कार का 8 घंटे तय किया, तुमने श्रम कानून को बर्बाद करके तुमने उसके 12 घंटे कर दिए। ए नकली अंबेडकर वादियों, अब हो जाओ होशियार, तुम्हें खतरा तुम्हें डर होना चाहिए। ये सारे सवाल अगर तुम में से एक भी अगर हो जो असली जय भीम वाला हो तो जरा बता देना, नहीं तो फिर ये अगर ये सवालों में से एक के भी जवाब ना मिले इसका मतलब आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस ये तीनों मनवादी पार्टियां हैं। हाँ जी, सवाल मेरा ये था कि हाँ साहब कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की आपने एक घटना बताई हाथरस वाली, अभी योगी आदित्यनाथ मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हो, कह रहे देखो ये राम राज्य है, किस तरह से जो लोग अपराधी श्रेणी के थे वो भाग रहे हैं यहाँ से छोड़कर, तो मिट्टी मिलाया जा रहा है। हमें राम राज नहीं चाहिए, हमें भीम राज चाहिए, हमें बहुजन राज चाहिए, हमें अंबेडकर राज चाहिए, हमें राम राज नहीं चाहिए, हमें एंटीना वाला सरकार नहीं चाहिए, बहुजनों को बहुजनों की सत्ता चाहिए, हमें ये 5 किलो अनाज नहीं चाहिए। ये आरएसएस बीजेपी कांग्रेस वाले कह रहे हम 85 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, हमें अनाज नहीं चाहिए, हमें नौकरी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दी थी वो चाहिए, उससे वो अनाज भी खरीद लेंगे, लैपटॉप भी खरीद लेंगे और सब कुछ, सब शिक्षा भी खरीद लेंगे, रोजगार खरीद लेंगे और तुम्हें भी खरीद लेंगे।